हेलो एवरीवन, कॉस्मिक कनेक्शन चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम एक रीडिंग करते हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि आपके माइंड में जो पर्सन है, आपका लवर हो सकता है, या आप किसी भी दोस्त के लिए या किसी भी पर्सन से रिलेटेड रीडिंग देखना चाहते हो, उस पर्सन के लिए सोलर इक्लिप्स के पहले क्या एनर्जी थी उनकी आपके टूवर्ड्स, और सोलर इक्लिप्स के बाद क्या क्या चेंजेस आए हैं उनके फीलिंग्स में, उनकी एनर्जी में, ये सारा कुछ हम लोग एक डिटेल रीडिंग में देखेंगे। तो रीडिंग को शुरू करते हैं। आप लोग अपने पर्सन का नाम ले लीजिए और फिर हम लोग रीडिंग को करते हैं शुरू। पॉजिटिव रहिए, कोई नेगेटिव थॉट्स मत रखिए किसी के लिए, और अपने पर्सन का नाम आप लोग 3 बार ले लीजिए। पहले हम मेजर अरकाना कार्ड से 5 कार्ड निकालेंगे और उसके बाद हम लोग टैरो डेक से देखेंगे उन कार्ड को क्लैरिफाई करके। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की इस सोलर इक्लिप्स के पहले की एनर्जी एंड इस सोलर इक्लिप्स के बाद की एनर्जी में क्या क्या चेंजेस आए हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड करें। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में इस सोलर इक्लिप्स के पहले और सोलर इक्लिप्स के बाद क्या क्या एनर्जी शिफ्ट हुए हैं, क्या क्या चेंजेस आए हैं उनकी फीलिंग्स में, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। काफ़ी हाई वाइब्रेशनल एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, कार्ड सफल ही नहीं हो रहे हैं। चलिए एक कार्ड पॉप आउट हुआ है, द टावर। ये पहले भी आया था और इस बार हम लोग ले लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी सोलर इक्लिप्स के पहले और अभी में क्या क्या चेंजेस आए हैं, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। द मून, होप आपको कार्ड विजिबल है। जय हो राधा कृष्ण। द लवर्स, द मैजिशियन एंड द स्टार, बॉटम ऑफ द डेक, द वर्ल्ड। ओके, तो मुझे जो दिखाई दे रहा है, सोलर इक्लिप्स के पहले आपके और आपके पर्सन के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स जरूर हुए हैं, कुछ आर्गुमेंट्स, कुछ ब्रेक डाउन ऐसा कुछ हुआ है आप दोनों में। ब्रेकअप की भी एनर्जी मुझे आ रही है, और इस सिचुएशन में वो अगर ब्रेकअप हुआ है आप लोगों का, नो कांटेक्ट है, या जो भी आप दोनों के बीच में एक टावर मोमेंट आया था उसमें आपका पर्सन बहुत दुखी दिखाई दे रहा था। सोलर इक्लिप्स के बाद उनकी एनर्जी में शिफ्ट ये हुआ है कि उनके मन में फिर से पुराना वाला प्यार जागा है, एक नई होप जागी है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको, और द स्टार, उनका विश फुलफिलमेंट होने के लिए उनको जो करना है वो करने का भी सोच रहे हैं। तो चलिए हम इन कार्ड्स को थोड़ा और टैरो डेक से क्लैरिफाई करते हैं। टावर किस लिए आया है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। द टावर किस लिए आया है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। द टावर किस लिए आया है, स्ट्रेंथ, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड नाइन ऑफ वांड्स। देखिए, आप दोनों में कोई कार्मिक साइकिल चल रहा था, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, और इसलिए आप दोनों में टावर मोमेंट आया और आप दोनों में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन इस सिचुएशन में भी आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत थके हुए हैं, जैसे होता है ना कि ट्राई करते करते थक गए हैं, एक दुखी एनर्जी, एक थकावट की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है।
हम बाकी कार्ड्स निकाल लेते हैं, फिर फुल रीडिंग हम लोग क्लैरिफाई करेंगे। द मून को प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें, द मून को प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें। टेम्परेंस, फाइव ऑफ कप्स एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स। ओके, द लवर्स को प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें, प्लीज डिवाइन द लवर्स को क्लैरिफाई करें। प्लीज डिवाइन द लवर्स को क्लैरिफाई करें। फोर ऑफ वांड्स, फोर ऑफ कप्स, फोर ऑफ सोर्ड, ट्रिपल फोर की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। मैजिशियन को प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें, द मैजिशियन को प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ वांड्स, सिक्स ऑफ कप्स, द मून। द स्टार क्यों आया है, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें, द स्टार क्यों आया है। एस ऑफ सोर्ड्स, डेथ एंड एट ऑफ वांड्स। ओके, चलिए, तो आपके जो रिलेशनशिप है उसमें मुझे एक टावर मोमेंट दिखाई दे रहा है। इन द रिसेंट पास्ट आप दोनों में एक टावर मोमेंट आया है और आप दोनों सेपरेट हो गए हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन इस सिचुएशन में भी आप दोनों में से किसी ने, मुझे लगता है, होप नहीं छोड़ा है कि आप लोगों को कहीं ना कहीं, आप अगर 99% भी नेगेटिव हो जाए कि आपका रिलेशन टूट गया है, लेकिन आपके मन में और आपके पर्सन के मन में, दोनों में मुझे जो दिखाई दे रहा है कि एक होप ज़रूर है कि आप लोग कभी ना कभी फिर से एक होंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून, आप दोनों में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिखाई दे रहा है जो डिवाइन का ही रचा हुआ है आप दोनों के लाइफ में। और नाइन ऑफ वांड्स ये दिखाता है कि आपका पर्सन जो भी सिचुएशन था उस सिचुएशन में डेफिनेटली एक्शन लेना भी चाहते हैं और थोड़ा थक भी गए हैं कि कितना ट्राई करें। इस टाइप की वो एक थोड़ा विक्टिम टाइप की मेंटलिटी उनके रिसेंट पास्ट में मुझे दिखाई दे रहा है। मून, द मून में ये दिखाई दे रहा है कि दुखी एनर्जी में तो ज़रूर है, बैलेंस बनाना चाहते हैं। हो सकता है कि ये किसी दो सिचुएशन में बैलेंस बनाना चाहते हैं। हो सकता है कि आप दोनों में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो, वो थर्ड पार्टी को भी नहीं छोड़ना चाहते और वो आपको भी नहीं छोड़ना चाहते, बैलेंस बना के चलना चाहते थे। लेकिन अब जब आपके साथ ये रिलेशन टूट गया है तो वो बहुत दुखी हैं। वो थर्ड पार्टी के में अगर हैं भी तो उनके साथ वो बिल्कुल भी खुश नहीं है और फिनंशियल लॉस भी मुझे दिखाई दे रहा है उनका। बहुत ज़्यादा फिनंशियल लॉस मुझे दिखाई दे रहा है उनका इन द रिसेंट पास्ट। अभी का जो एनर्जी है सोलर इक्लिप्स के बाद, वो थोड़ा पॉजिटिव हो गए हैं। वो बहुत लवर्स वाली एनर्जी है, नंबर सिक्स और फोर ऑफ वांड्स, फोर ऑफ कप्स एंड फोर ऑफ सोर्ड्स। देखिए, फोर ऑफ वांड्स सेलिब्रेशन चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, लेकिन वही फिर से वो दुखी भी हो जाते हैं कि आप दोनों अभी साथ नहीं हैं और भगवान से बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं कि आप दोनों फिर से यूनाइट हो जाएं। ट्रिपल फोर की एनर्जी है, बहुत ही पॉजिटिव सोच है उनकी अभी। और इस सोलर इक्लिप्स के बाद वो आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, नोइंगली हो अनलोइंगली हो वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं। सिक्स की एनर्जी भी मुझे बहुत हाई दिखाई दे रही है। एक्शन लेना चाहते हैं आपके लिए, लेकिन थोड़ा सा मुझे स्लो एक्शन दिखाई दे रहा है। लेकिन ओवरऑल ये जो सिचुएशन है, आप जो उनके साथ नहीं हैं तो इसलिए वो दुखी भी है। आपका रिलेशन और उनका रिलेशन वो पास्ट लाइफ रिलेशन भी समझते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा समझते हैं कि आप दोनों में कनेक्शन है जो कि
नॉर्मल नहीं है, मतलब बहुत होता है ना, हर जन्म में मिले हो इस टाइप का, वो सोचते हैं कि इस टाइप का आप दोनों में एक कनेक्शन है जो कभी टूट नहीं सकता है। लेकिन कभी कभी फिर वो दुखी भी हो जाते हैं क्योंकि अभी वो आपके पास वो नहीं, मतलब उनके पास आप नहीं हैं। द स्टार कार्ड ये दिखा रहा है कि उनकी विश फुलफिल होगी, वो एक्शन लेना चाहते हैं, आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, और स्ट्रॉन्गली वो न्यू बिगिनिंग के लिए एक्शन भी लेंगे। डेथ, आप दोनों का जो रिलेशन है उसमें रीबर्थ आएगा और आपको वो कम्युनिकेट डेफिनेटली करेंगे। आप दोनों में कुछ यहाँ पे जो मेजर अर्काना है उनमें मैंने देखा कि बॉटम ऑफ द डेक द वर्ल्ड आया है। आप दोनों में कोई एक कार्मिक साइकिल था जो कि ख़त्म हुआ है सोलर इक्लिप्स में, और आप लोगों के रिलेशन में न्यू बर्थ मुझे दिखाई दे रहा है। आप लोगों के लिए जो नंबर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है वो है 4, 5 एंड 6। ये हो सकता है कि विद इन 4 डेज, 5 डेज, 6 डेज या विद इन 4 वीक्स, 5 वीक्स या 6 वीक्स के अंदर आप दोनों में एक कम्युनिकेशन होगी, हेल्दी कम्युनिकेशन होगी, और आप दोनों का रिलेशनशिप फिर से एक नए सिरे से शुरू होगा। जिस सिचुएशन में मुझे ये लगता है कि आप दोनों में जो भी नेगेटिविटी थी वो ख़त्म हो करके एक पॉजिटिव वाइब के साथ आप दोनों इस रिलेशन को शुरू करेंगे। हो सकता है किसी किसी के लिए ये 4 आवर्स, 5 आवर्स या 6 आवर्स में भी रेजोनेट कर जाए, जिनका जितना ब्लॉकेज है उस हिसाब से ये रीडिंग उनके साथ रेजोनेट करेगी। तो होप आपको थोड़ी बहुत गाइडेंस मिली है इस सोलर इक्लिप्स के बाद आपके पर्सन की एनर्जी में क्या क्या शिफ्ट हुआ है उसमें। आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, आई होप सो। और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू।